हाय गाइस, मेरा नाम है प्रत्युष और आज हम लोग देखने वाले हैं यामा की रेस अटर 125 के कुछ प्रोज और कॉन्स। सो उसके बाद आपको पता चलेगा आपको लेनी चाहिए या दूसरे ऑप्शंस पे जाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो इस स्कूटर का पहला प्रो है इसका लाइट वेट, सिर्फ 99 kg का वेट है। सो लेडीज चलाना हो और जिनका हाइट थोड़ा कम है उनके लिए भी काफ़ी ईजी होगा ये बाइक चलाना। ज़्यादा वेट नहीं है क्योंकि ज़्यादातर फाइबर के पार्ट्स हैं। सेकेंड बात करें इसका राइड एंड हैंडलिंग, आपको यामा का पता ही होगा रेसिंग डीएनए उनका है ही, उसकी वजह से यहाँ पे राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। सस्पेंशन थोड़े आपको स्टिफर साइड में मिलता है, उससे प्रो भी है वो एक और कॉन भी और एक वही है। थर्ड चीज़ की बात करें इंजन रिफाइनमेंट, वो तो कह ही दिया मैंने, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है इसका। पावर टॉर्क कम लग सकता है आपको बट पावर टू वेट रेशियो आपको ध्यान रखना है, वेट काफ़ी कम है सो पावर भी अच्छी आपको मिल जाएगी। ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड, कॉम्बी ब्रेकिंग जो जिसे कहा जाता है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, फ्रंट में डिस्क है पीछे ड्रम। और एक प्रोस की बात करें सो इसका लुक्स आर वेरी गुड, आपको वो एक स्पोर्टी लुकिंग स्कूटर मिल जाती है यूथ के लिए, काफ़ी अच्छा आपको हेडलाइट का थ्रो वो सब मिल जाता है, LED DRLs वो सब भी है, सीटिंग कंफर्ट भी ठीक ठाक ही है, स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है। पहला कौन है इसका बॉडी मेटल, मतलब बॉडी में मेटल की बहुत कमी है, ज़्यादातर फाइबर के पार्ट्स है और सामने का सिर्फ मडगार्ड आपको फाइबर मतलब मेटल का मिल जाता है। सो ज़्यादातर फाइबर पार्ट्स होने की वजह से नेगेटिव क्या है कि कुछ महीनों में यहाँ पे रैटलिंग, कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि रैटलिंग के इशू ज़्यादा आते हैं, उसके बाद ज़्यादा फाइबर पार्ट्स होने से आपका अगर एक्सीडेंट होता है तो रिप्लेस पूरा वो पार्ट ही करना पड़ता है। मेटल का होने से तो ठोक पीट के उसे आप सीधा कर सकते हैं बट फाइबर में वैसा नहीं होता, आपको पूरा वो पार्ट ही चेंज करना पड़ेगा। बट ड्यूरेबल भी होता है फाइबर, अगर कहीं पे लग भी गया तो थोड़ा बेंड हो जाएगा, ज़्यादा स्क्रैचेस वो सब नहीं आता। थर्ड कौन इसका लगा मुझे, इसका राइड क्वालिटी, आपको थोड़ा स्टिफर सस्पेंशन मिलता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही होगा मैंने प्रोज में आपको बताया कि हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है उसकी वजह से स्टिफ सस्पेंशन है। और एक नेगेटिव की बात करें सो वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस, आप देख सकते हैं काफ़ी कम आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, सबसे कम इस सेगमेंट में यहीं पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो शायद आपको हाईवेज पर अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाएगी स्टिफ सस्पेंशन उन सब की वजह से, बट शहरों में अगर ज़्यादा गड्ढे हुए तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है कम ग्राउंड क्लियरेंस होने पर, और लोड के साथ तो और भी कम हो जाएगा। आप इसे नेगेटिव मान सकते हैं या पॉजिटिव, कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रैम्प्ड लगा, मुझे ठीक ठाक है मेरे लिए, बट ज़्यादा हाइट हुई तो आपको दिक्कत थोड़ी हो सकती है इन जगहों पे। एक हाफ फेस मैंने हेलमेट रखा है। देख सकते हैं आप हाफ फेस हेलमेट भी यहाँ पे फिट नहीं हो रही, लेडीज हेलमेट शायद हो जाए बट हाफ फेस और फुल फेस हेलमेट आप यहाँ पे अच्छे से नहीं रख पाएंगे। सो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज लगा मुझे, और यहाँ पे ना ही USB चार्जर है, और ये बहुत बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि यहाँ पे आपको इंटरनली फ्यूल फिलिंग कैप मिलता है। आजकल ऑलमोस्ट हर स्कूटर में XS125 को अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादातर स्कूटर्स में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप मिलता है, बट यहाँ पे अभी भी आपको इंटरनली मिलता है और ना कोई लाइट है यहाँ पे। और एक नेगेटिव की बात करें तो आप सोच सकते हैं इसका वारंटी, बेसिक आपको स्टैंडर्ड वारंटी 2 साल या 30,000 किलोमीटर का मिलता है, बट उसे आपको एक्स्ट्रा पैसे देके एक्सटेंड करवाना होगा 3 साल, 2 साल 30,000 तो रहेगा ही, उसके ऊपर आप 3 साल या 40,000 किलोमीटर और एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी आप ले सकते हैं। इसकी कंपटीशन जो है वो थोड़ी और ज़्यादा वारंटी प्रोवाइड करती है बट यहाँ पे आपको यही मिल रहा है, आपको फुल फीचर लोडेड सारी चीज़ें मिल जाती है बट यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल ट्रिप ही मिलता है। 2 ट्रिप मीटर्स होते तो अच्छा होता, और रेंज डिस्टेंस टी वो भी नहीं है, सो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, ये होना चाहिए था। और एक चीज़, अगर आप जो यामाहा कनेक्ट है वहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन वो वाला फीचर नहीं मिलता जो एंटॉर्क वो सब आपको प्रोवाइड करती है। सो यही मुझे बेसिक कुछ कॉन्स लगे इसके बारे में, और कौन से कुछ मतलब राइडर्स ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे पेंट उखड़ जाता है थोड़ा, सो वो कुछ लोगों का शायद कौन हो सकता है, मैंने तो वो देखा नहीं है सो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। सो ये मुझे बेसिक कुछ कौन से लगे स्कूटर के बारे में, बट ओवरऑल स्कूटर ठीक है प्राइस पॉइंट को देखते हुए, इससे एंटॉर्क आपको ऑलमोस्ट 3,500 से 4,000 रुपये ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, यह आप सेगमेंट में सबसे सस्ती आपको 125 cc ऐसे स्पोर्टी लुकिंग के साथ आपको मिल जाएगी। ये इंजन रिफाइनमेंट हो, हैंडलिंग हो, बैलेंसिंग हो, वो सब काफ़ी अच्छा है, और जो जो फीचर्स चाहिए होते हैं वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। सो यह कैसा लगा आपको आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और जो प्रोज एंड कॉन्स मैंने बताया क्या आप उसे एग्री करते हैं कि नहीं वो भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो यह मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।